नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट? बहुत सीरियस चीज़ है। जिन लोगों ने टेलीग्राम के थ्रू इंट्राडे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उनको मैंने बारी बारी काफ़ी बारी बार बोला है कि जब भी मैं आपको कॉल दूँ या जब भी आप अपने तरीके से भी ट्रेडिंग कर रहे हो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के बेस पे, तो जब भी मैं आपको कॉल देता हूँ और या तो आपको कोई कोई कैंडल का हाई लो देख रहे हो उसके ऊपर से आप रेंज के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो 2 रुपए का डिफरेंस रख के आपको एंट्री लेनी है। डायरेक्ट प्राइस पे एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा जीरोधा में चार्टिंग ओपन है, ठीक है? तो जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। अब महिंद्रा की फर्स्ट कैंडल है, उसको फोकस करके अपने ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसने हाई कितना मारा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 949.12 का हाई मारा हुआ है। और लो कितना मारा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल 929.33। तो उसमें से 2 रुपए माइनस, अभी बाई करना हो इसको तो 2 रुपए इसमें प्लस करना पड़ेगा कि 948.6, एग्जैक्ट देख लेते हैं, 948.88। तो उसमें 2 रुपए मतलब 49 और 50, तो 950.88 पे एंट्री लेनी है। ऊपर जब भी आप एंट्री लो तो 2 रुपए प्लस करके लो। और आप, मैंने काफी बार बोला है कि मैं जो ट्रेडिंग करवाता हूँ उसमें मैं क्या फोकस करता हूँ कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है 500 रुपए से अप और 2500 के आसपास है उसमें हम फोकस करते हैं, उसके नीचे वाले स्टॉक में अपने एंटर नहीं करते। इसलिए 2 रुपए का ये रूल हर एक जगह पर अप्लाई कर सकते हो। अगर 600 रुपए वाले में भी आप 1.5 रुपए का डिफरेंस रखो, यार रखो। इसका मैं बहुत बड़ा रीजन बोल रहा हूँ। अगर आप कितना सारा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, ऑपरेटर्स गेम खेलते हैं, वो लोग काफी ट्रेडर्स को बाईपास करना चाहते हैं। तो एक दो तीन बहुत अच्छे एग्जांपल मेरे हाथ में आ गए कि क्यों क्यों ये बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई सीरियस रीजन है कि नहीं। TCS का आज एग्जाम्पल लो। आज IT स्टॉक को उन लोगों ने डाउन रखा था, पर लास्ट आवर में क्या किया, TCS का एग्जाम्पल देख लो। TCS की फर्स्ट कैंडल, अगर ORB स्ट्रेटेजी अपने फॉलो करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो ये फर्स्ट कैंडल देखो, ठीक है? तो नीचे तो ब्रेक हुआ ही नहीं था, तो वो तो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ होगा। अगर कोई बंदे के पास अच्छी कैपिटल है और पूरे दिन इसमें खड़ा हुआ तो प्रॉफिट ही होगा। पर ज्यादातर अपने सेशन को डिवाइड कर देते कि 12 बजे अप्रोच करे तो 11:30 बजे के बाद आप ट्रेडिंग अपना बुक कर लो। तो किसी भी बंदे ने अगर TCS में ट्रेड करने की ट्राई किया होगा तो उसका कोई भी साइड का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ होगा 11:30 तक। कुछ प्रॉफिट नहीं, कुछ लॉस नहीं, कुछ भी नहीं, राइट? अब हमारी स्ट्रेटेजी आती है कि 12 PM वाली स्ट्रेटेजी, जो सबसे पॉपुलर और सबसे प्रॉफिटेबल और सिंपल स्ट्रेटेजी है, राइट? अब उसमें क्या हुआ ना, एग्जैक्टली देख लो, लाइव एग्जांपल है ये। 12 PM की ये कैंडल देखो, बहुत नेरो कैंडल है, नेरो कैंडल में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? फिर भी अब चलो किसी ने ट्रेड किया इसमें तो क्या होगा, 12 PM कैंडल का हाई कितना था, कितना हाई बता रहा है 2037, और लो कितना बता रहा है 2035। तो अगर 2035 पे या तो उसके नीचे, हमेशा सेल करना उसके नीचे, तो कितने पे करो, सीधा 2034 पे लगा दिया तो क्या होगा बताए, इसकी तीसरी कैंडल में लो 34 मार दिया और उसकी दूसरी कैंडल में 2033 का भी लो मार दिया। तो अगर जो लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं वो तो बाहर ही जाएंगे, पर मैं स्टॉप लॉस में कभी बिलीव नहीं करता। मैंने कितने हर एक वीडियो में बोला है कि काउंटर ट्रेडिंग करना है, काउंटर ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी रहोगे। तो दो चीज हुई, दो लेसन TCS का एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, एक तो 2 रुपए का गैप रखा, लो कितना मारा था वो देख लो 2035। तो अगर मैंने 2 रुपए का गैप रखा होता तो मैं 2033 के बाद में एंटर करता तो मेरा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ होता, समझ रहे हो? इन केस किसी का ट्रेड ट्रिगर होता है तो हर बार मैं बोलता हूं कि कोई भी एंट्री करो तो आपको काउंटर ट्रेडिंग करना है। तो जो 2-3 रुपए का आप डिफरेंस दे के, ब्रोकरेज दे के ये पूरा मूवमेंट एंजॉय कर सकते थे। तो काउंटर ट्रेडिंग का उपयोग क्या है, काउंटर ट्रेडिंग का उपयोग ये है कि अगर मार्केट हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, स्मार्ट मनी हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो हम स्टॉक में से ब्रोकरेज देके SL हिट करवा के बैठ ना जाए एक साइड, क्योंकि वो तो चाहते कि हम लोग ऐसा करें नहीं, हम लोग गेम भी खेलेंगे, गेम में बने भी रहेंगे, भले ब्रोकरेज एक बार देना पड़े पर वो मूवमेंट मिस आउट नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो? दूसरा, 2 रुपए का गैप है जो मैं बोल रहा हूँ वो आप काफी सारे स्टॉक में आए दिन देखोगे और सिर्फ 1-2 रुपए की वजह से या तो आप गलत ट्रेड में घुस जाओगे या तो ज्यादा वो लोग ज्यादा काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगा तो ज्यादा ब्रोकरेज चला जाएगा, ठीक है? तो काफी सारी चीज होती है ना, काफी सारी स्ट्रेटेजीज मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ कि भाई उसमें आपका प्रॉफिट का चांस 50% बढ़ जाता है। काफी सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं कि जो 5-5% प्रॉफिट बचाता है, 5-5% लॉस आपको रिड्यूस करा देता है। तो ये स्टेप्स ऐसे आपको हर एक चीज का उपयोग लेना है, छोटे टूल भी चाहिए, बड़े ट्रेड भी चाहिए, ठीक है? अब किसी ने मुझे आज रिलायंस के लिए पूछा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चलो रिलायंस में, ठीक है?
रिलायंस को भी ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस को देखो आज उसकी फर्स्ट कैंडल कितनी बड़ी है, तो अगर ओपनिंग रेंज फॉलो करते हो तो आपका बाइंग साइड ट्रेड जाता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। लो कितने इसने मारा था, 1258, तो 1258 को जाने दो, 7 को जाने दो और अपने 56.5 या समथिंग का ट्रेड करेंगे। मैंने ये बोला था कि यूनिक तरीके से एंट्री करो तो आराम से इसमें प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अब चाहो तो ये प्रॉफिट को बुक कर सकते, तो किया और या तो कंटिन्यू करा तो भी प्रॉफिट होता, ज्यादातर केस में लोग बुक करेंगे क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्केट है। अच्छा 12 पीएम में क्या हुआ, 12 पीएम की कैंडल में ये हुआ, हाई 1258 मारा था और लो 1252, तो अगर हाई 1258 मारा था तो मैं घुसता कितने में, 1260 के बाजू में रखता ना, मैं 1260.5 ऐसा कुछ रखता ना, तो देख लो दूसरी कैंडल ने कितना हाई मार दिया, 1259। तो अगर आप डॉट टू डॉट चलोगे तो आप मरोगे। अच्छा तो ये क्या बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी है 2 रुपए वाली, नहीं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने मार्केट में ट्रेडिंग किया, तो मैंने अपने रियल एक रूल बना लिया था कि अगर कोई अपने स्टेप लेते हैं लाइफ में तो अगर उसका फेल होने का चांसेस 100 बार है, तो क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं कि कम फेलियर मिले, कम काउंटर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो, कम SL हिट हो। तो एक दो रुपए का गैप मेरे को ऐसा लगा कि मैं आंख बंद करके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। मैं छोटे स्टॉक्स में इंट्राडे में एंट्री नहीं करता, तो उसके आप परसेंटेज के बिजाय पे 1 रुपए का गैप रख सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि 2 रुपए का गैप रखो तो बहुत ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 50-70% टाइम गलत ट्रेड लेते लेते बच जाओगे आप, कैंडल आपका मजाक उड़ा के नहीं चली जाएगी कि देखा होता है। हर एक जहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी अगर 2% की भी सक्सेस भी बचती है ना, तो भी मैं ऐसा रूल फॉलो करता हूं। रिस्क मैनेजमेंट देख लो, पर ट्रेड लॉस देख लो, काउंटर ट्रेडिंग देख लो, 2 रुपए का गैप देख लो। मैं हर बार बोलता हूं कि टेलीग्राम में जितने भी मैं कॉल्स देता हूं तो 2 रुपए का गैप समझ के एंटर करना है उस पर, और एक्चुअली 25 पैसे चढ़ा के एंटर यूनिक तरीके से करना है, समझ लो। हमारे पास डेटा नहीं है, क्या गारंटी है कि ब्रोकर्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जिसके पास लाखों करोड़ रुपया है, वो ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए बैठे हैं, देख रहे हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। आपके पास भी इतना सारा पैसा है तो आप भी वो सब गेम खेलने लगोगे, राइट। तो ये सब चीजें समझो, उसके बाद क्या हुआ, तो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सक्सेस ऑफ 12 पीएम स्ट्रेटेजी, प्लस काउंटर ट्रेडिंग रखो, प्लस ये 2 रुपीज का गेप भी आपको 50-70% टाइम गलत चीजें करने से रोक देगा। तो ये सब समझो और एग्जीक्यूट करो, हर एक का कुछ मीनिंग होता है, तभी मैं कुछ सीरियसली यहाँ पे शेयर करता हूँ और वो प्रूवेबल चीज होती है। एक और स्टॉक देख लो, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा का कैंडल देख लो, ठीक है। वो एक्चुअली गया ऊपर, राइट, टेक महिंद्रा ने क्या किया, ऊपर ही गया, पर क्या करेगा वो काफी लोगों को गिरा के जाएगा। मार्केट में ऐसा होता है, कोई देखो मार्केट में कोई आपका ब्रदर सिस्टर नहीं बैठा हुआ है कि आपको फ्री में पैसा कमाने दे, और लाइफ में फैमिली भी कितनी बार सपोर्ट नहीं करी, वो भी आपको 10,000 रुपया तो 1,00,000 रुपये नहीं देने वाली, तो मार्केट से ऐसी उम्मीद सिंपति मत रखो। ये देखो ये जो लो मारा हुआ था टेक महिंद्रा ने 724.18, उसके अगर एंट्री ली होती किसी ने तो ये कितना जाके आया, देखो 721.8, सिर्फ 2-2 रुपए का, ढाई इतने रुपए में वो फिर वो पूरा ट्रेंड चेंज कर देता है, ठीक है। तो 2-2.5 रुपए का उसके ऊपर का थोड़ा डिफरेंस रखो तो 50-70% केस में बच जाओगे। काउंटर ट्रेडिंग तो करना ही है, ठीक है। हर एक चीज मार्केट में हमको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी की कैसे पैसा ज्यादा कमाया जाए, कैसे गलत चीज के यहाँ पे रास्ते में खड्डा है तो यहाँ पे मैं नहीं गिरूं, तो ऐसे छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे खड्डे होते हैं, कुछ बड़े बड़े खड्डे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी आपको, वरना नहीं चलेगा। और अपने पैसे कमाने हैं तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। और ये चीजें आप खुद ट्रैक करो, ठीक है। मैं हर एक चीज का एनालिसिस फुल प्रूफ एक्सेल बना के हर एक चीज के लिए 200-200 स्टॉक का एनालाइज करके प्रूव नहीं करता रहूंगा, आपको खुद भी थोड़ा थोड़ा होमवर्क आधा घंटा रोज करना पड़ेगा और आप ये खुद ही ये सब ट्रैक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बस ये वीडियो सिर्फ इतना ही चीजें बताने के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ था। थैंक यू सो मच। और अगेन बोरिंग बात है कि जिन लोगों को अगर इंट्राडे मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो लोग कर सकते हैं, मैंने लिंक्स सब कुछ यूट्यूब में दिया हुआ है, और ये प्रोग्राम क्या है क्यों है उसकी सब भी डिटेल्स दी हुई है कि इसमें कॉल्स आएंगे और इसमें नॉलेज आएगा, सब कुछ आएगा, सिंपल चीज है, ठीक है। और ईयरली इसकी GST मिला के 1180 रुपीज फी होती है। उसके बाद काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि स्विंग ट्रेडिंग, बैंक ट्रेडिंग, एक दो वीक में चालू हो रहे हैं प्रोग्राम, काफी लोग जुड़ने वाले हैं, काफी लोगों ने एप्लीकेशन कर सकते, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन होता आप व्हाट्सएप वगैरह भी यूज कर सकते हो, ईमेल वगैरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप खड्डे में मत गिरो, खड्डे में कम गिरो, गिरो तो थोड़ा गिर के सीधा वापस निकल जाओ। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।